हेलो फ्रेंड्स, वेजी स्पाइसी किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं सविता शर्मा। आज हमारी किचन में कोई रेसिपी नहीं बन रही, एक पार्सल आया, इसे ओपनिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। आप भी देखो और मैं भी देखूंगी इसके अंदर क्या निकला है। ये मेरे बच्चों ने मेरे लिए गिफ्ट किया है, ये अमेजोन से आया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। अब इसकी ओपनिंग करते हैं, देखते हैं इसकी टेप हटाकर इसके अंदर क्या निकलता है। पैकिंग तो इसकी खूब अच्छे से करी हुई है, देखो इसे कितनी कितना अच्छे से पैक किया हुआ। इसके अंदर पन्नी का रैपर बहुत है, इसे खोलने में भी बहुत टाइम लग रहा है। मैंने अपने बड़े बेटे की हेल्प ली है, इसकी हेल्प से मैं इसे खोल रही हूँ। देखो इसके अंदर कितनी बार इसे लपेटा हुआ है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए कोई गिफ्ट किया है और उसे मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो इसके अंदर क्या है। अपने बड़े बेटे की हेल्प से मैंने इसे जल्दी से खुलवा लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर। यो इसके अंदर तो एक मिक्सर जूसर है और देखो इसके अंदर ये कैसी अच्छी पैकिंग हुई है। दोनों तरफ से थर्माकोल की सीट लगी हुई थी और ये सुजाता कंपनी का है। इसके लिए मैं अपने दोनों बेटों को थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है, ये सुजाता कंपनी की है। इसकी MRP 8163 रुपये है। और ये सुजाता पावर मैटिक प्लस की है और इसकी मोटर भी कॉपर की है। मेरे बच्चों ने जन क्या सूझा मुझे ये गिफ्ट किया है, मुझे वैसे इसकी बहुत ज़रूरत थी। अब इसे हम अंदर से देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। इसकी टेप हटाते हैं। वैसे तो जैसे ये बाहर छपा हुआ है ऐसे ही अंदर निकलेगा। मेरी मिक्सी खराब हो गई थी, शायद बच्चों ने इसी वजह से सोचकर मंगवाई होगी। वैसे तो वेट में तो ये बहुत भारी है। पैकिंग इसकी खूब अच्छे से की है। ये एक इसके साथ इसकी बुक आई है, इसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। और ये इसके साथ एक रैपर है जिसमें कि फैन के बारे में बताया गया। और ये इसके साथ एक ब्रश है इसके अंदर। जब जूस निकालते हैं ना, जब इसको दबाते हैं मौसमी वगैरह को, वो है इसके अंदर। एक पुरुष है, एक निडल है इसके नीचे वाली ये साइड में। अभी इसे खोल के दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या है, पहले इसे देखते हैं।
देखो इसके अंदर दो जार हैं, एक मिक्सी है। एक छोटा जार है, एक बड़ा जार है, और ये मिक्सर जूसर है। और इसकी कैप देखते हैं, अब छोटा वाला जार देखेंगे, ये इसकी बुक है, इसके साथ आई थी। अब छोटा वाला जार देखते हैं कैसा है। ये इसका कैप है और इसकी स्टील भी बहुत अच्छी है, वैसे भी हैवी है, वजन से भी हैवी है। अब बड़ा वाला देखते हैं, बड़े का कैप भी अच्छा है, ऊपर का हैंडल भी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, ये इसमें से सब कुछ दिखता। अरे 1.7, इसका बड़ा जार 1.75 लीटर का है। अब इसे खोलेंगे, इसके अंदर एक ब्रश है और ये प्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए जूस निकालते समय, ये प्लास्टिक का है। और ये एक निडल है इसकी चेंज करने के लिए, जो जार के पीछे बैक साइड में लगी हुई है। अब मिक्सी का, हम जूसर मिक्सी का कवर हटाएंगे। इसके ऊपर का कवर ट्रांसपेरेंट है और अच्छी प्लास्टिक का है। साइड, और ये साइड में जो कचरा निकलता है उसका बॉक्स है, और ये इसके अंदर जिसमें हम जूस निकालते हैं उसकी जाली है। अब ऊपर से इसे कवर करेंगे, और जो ये प्लास्टिक का है इससे हम दबा दबा के जूस निकालेंगे। अब इसके पार्ट को अलग करेंगे, और ये प्लास्टिक का है और इसके अंदर हॉल भी है, ये निडल सी लगी हुई है जो साइड में, ये इससे जूस निकलता है। और प्लास्टिक भी इसकी बहुत अच्छी है, जो इसकी तार है वो भी बहुत मोटी है। और ये 2 मीटर की तार है, काफी लंबी तार है ये, और वेट में भी ये खूब हैवी है। और इसके पीछे बैक में एक फैन लगा हुआ है मिक्सी के नीचे। और जो इसका कैप है ना जार का, ये ऊपर से ओपन भी हो जाता है और ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से भी दिख जाता है इसके अंदर जो भी सामान डालते हैं। ऐसे ही हमारा ये जूसर का है, ये ऊपर से निकल भी जाता है, अगर ऊपर से हम कुछ भी इसके अंदर डालेंगे तो ऊपर से डाल सकते हैं। ये लाल लाइट दी हुई है, इससे पता चल जाता है कि इसमें करंट आया हुआ है नहीं, ऑन ऑफ का ये साइड में बटन दे रखा है। और ये नीला सा बटन है, इससे हम हल्का हल्का अंदर दबा दबा के रुक रुक के पीस सकते हैं, कोई भी चीज़ हम पीसें तो, इससे हमें बार बार बटन को घुमाना नहीं पड़ता। और ये काफ़ी देर तक चलती है, एक बार अगर इसे चलाते हैं तो ये काफ़ी देर तक चलती रहती है, बहुत देर में जाके रुकती है। इसका बटन भी खूब अच्छा है, अब आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने लो पर चलाई है, खूब तेज चल रही है। और ऊपर से जो भी हम सामान डालेंगे इसे, इसके कैप को ऊपर से खोलकर भी डाल सकते हैं।
ये चटनी जार है। अगर हम इसमें कोई दाल वगैरह कुछ भी हम मसाले पीस सकते हैं इसके अंदर। तो ये जूस वाला हल्का सा दबाएंगे और इसे लगा देंगे। हमारे दोनों जार अच्छे से इसमें फिट आए। बहुत अच्छी मिक्सी लगी मुझे, मेरे बच्चों ने ये जो गिफ्ट करा मुझे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।